हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर हम जानने वाले हैं सैमसंग की तरफ से आने वाले नए स्मार्ट टीवी सैमसंग 7-in-1। सो दोस्तों, अगर आप प्लान कर रहे हो कोई नया स्मार्ट टीवी लेने का है और आप एकदम डटे हुए हो कि यार आपको कोई ब्रांडेड कंपनी का ही टीवी लेना है, सो यार आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी हम ऐसे टाइप के न्यू वीडियोज़ डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्राइसिंग की, तो ये टीवी आपको सिर्फ और सिर्फ 16,000 रुपये में मिलती है। यहाँ पर जो स्क्रीन साइज़ है वो है 32 इंच की, ये एक HD टीवी है। यहाँ पर आपको स्मार्ट फीचर्स भी मिलते हैं, तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले साइज़ की, तो यहाँ पर आपको 80 सेंटीमीटर का यहाँ पर आपको डिस्प्ले मिलता है, जिसका मतलब होता है कि ये जो टीवी की साइज़ है वो है 32 इंच। यहाँ पर आप HD कंटेंट प्ले कर सकते हो। ये टीवी स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट फीचर्स के साथ में आती है। सीरीज़ का नाम है 7-in-1। 7 फीचर्स आपको एक ही टीवी में दिए गए हैं। वो कौन से दिए गए हैं वो आपको जब सारी चीज़ें देखेंगे तो पता चल ही जाएगा कि क्या आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलता है इस टीवी में। यहाँ पर कनेक्टिविटी पोर्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 2 HDMI पोर्ट्स मिलते हैं, 1 USB पोर्ट्स मिलता है, बिल्ट इन वाईफाई का सपोर्ट मिलता है, डुअल बैंड वाईफाई यहाँ पर आपको दिया जाता है। लॉन्चिंग ईयर की बात करें तो ये 2019 का ही मॉडल है। एंड यहाँ पर आप 3G डोंगल भी अपने इस टीवी में यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आप अपने इंटरनेट केबल को डायरेक्टली अपने इस टीवी से कनेक्ट करके इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर वीडियो फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको हाइपर रियल टेक्नोलॉजी मिलती है, जिससे आपको यहाँ पर जो पिक्चर क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पर दी जाती है। डिजिटल नॉइस फिल्टर का भी सपोर्ट यहाँ पर आपको मिल जाता है। इस टीवी में यहाँ पर डायरेक्ट LED पैनल यूज़ किया गया है। डिस्प्ले की एक्सपेक्ट रेशियो की बात करो तो यहाँ पर 16:9 का एक्सपेक्ट रेशियो दिया गया है। डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट की बात करो तो यहाँ पर आपको 50Hz का डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। इसके बाद बात करते हैं अदर फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के यहाँ पिक्चर मोड्स मिल जाते हैं, जहाँ पे आप स्विच करके जो अपने कलर कॉन्ट्रास्ट रेशो को चेंज कर सकते हो और नए टाइप का एक्सपीरियंस ले सकते हो। बात करते हैं यहाँ पर हम लोग प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको क्वाड कोर प्रोसेसर मिल जाता है। कौन सा प्रोसेसर है वो कंपनी ने नहीं बताया है। ग्राफिक प्रोसेसर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मालिका 400MP4 प्रोसेसर मिल जाता है। रैम कैपेसिटी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 1.25 GB की रैम मिल जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपको इस टीवी में कौन से ऐप यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको नेटफ्लिक्स का सपोर्ट मिलने वाला है, यूट्यूब मिलने वाला है, हॉटस्टार मिलने वाला है एंड आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो का भी सपोर्ट मिलने वाला है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें जाए तो यहाँ पर आपको टाइजन OS मिलता है। तो अफसोस ये है कि यहाँ पर एंड्रॉयड तो नहीं मिल रहा है, बट टाइजन का सपोर्ट मिल रहा है, जो कि आपको एंड्रॉयड की कमी महसूस होने नहीं देने वाला है। तो मीन्स दैट जो सारे फीचर्स आपको एंड्रॉयड प्रोवाइड करता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको टाइजन OS में भी मिलने वाले हैं। मैं बता दूं, टाइजन ये सैमसंग का खुद का OS है, तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है टाइजन OS में। मैंने पर्सनली ये एक्सपीरियंस किया है। स्क्रीन मिररिंग का भी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ ऑडियो फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको 2 स्पीकर्स यहाँ पर मिलते हैं। दोनों ही स्पीकर यहाँ पर स्टीरियो टाइप स्पीकर है। दोनों ही स्पीकर में यहाँ पर आपको डॉल्बी डिजिटल प्लस का सपोर्ट मिल जाता है। अगर मैं स्पीकर के आउटपुट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 10 वॉट्स का आउटपुट मिलता है। हालांकि ये थोड़ा सा लो है, बट यहाँ पर इतना भी ज़्यादा लो नहीं है। अगर आपको थोड़ा और अच्छा अगर साउंड क्वालिटी चाहिए तो आप एक अलग से साउंड बार खरीद सकते हो। इसके बाद अगर बात करते हैं पावर कंजप्शन की, तो यहाँ पर जो पावर कंजप्शन है वो है सिर्फ 48 वॉट्स का, जो कि ज़्यादा नहीं है। वेट की बात करो तो यहाँ पर जो टीवी का वेट है वो 3.8 kgs है। एंड अगर वारंटी वगैरह की बात की जाए तो यहाँ पर आपको टीवी पे 1 ईयर की वारंटी मिलती है एंड 2 ईयर की आपको एक्स्ट्रा एडिशनल वारंटी मिलती है आपके डिस्प्ले पैनल पे। तो ये था टीवी का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। एंड ओवरऑल देखा जाए तो प्राइसिंग के हिसाब से और सैमसंग हैज़ अ ब्रांड यार, इनकी जो डिस्प्ले क्वालिटी और इनकी जो सर्विस क्वालिटी वो काफ़ी अच्छी होती है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो यार टीवी की जो प्राइसिंग है और स्पेसिफिकेशन वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सो अगर आप प्लान कर रहे हो कोई स्मार्ट टीवी लेने का तो आपके लिए ये टीवी बेस्ट होने वाला है। और ये टीवी फ्लिपकार्ट पे फिलहाल अवेलेबल है एंड इस बार जब दिवाली की सेल आने वाली है तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिलने वाला है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।